सो so, स्पेकुलेशन की जो डिस्कशन हुई है अभी तक वो स्पॉट रेट के अकॉर्डिंग हुई है कि स्पेकुलेट किया जा रहा है एक इन्वेस्टर की तरफ से या स्पेकुलेटर की तरफ से करंट स्पॉट रेट के ऊपर एंड बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर और फ्यूचर थ्री मंथ रेट एंटिसपेशन के ऊपर अब लाइक like जैसे हम लोगों ने हेजिंग uh, की बात की थी कि वो रेट uh, वहाँ पे करेंट uh, और फ्यूचर के अंदर उसको टाई अप करना पड़ रहे थे अपने फंड्स सिमिलरली स्पेकुलेटर्स को भी यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा फॉर दैट रीजंस स्पेकुलेटर की भी प्रेफरेंसेस यही होती हैं कि वो फॉरवर्ड मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करे वो जितना बेनिफिट है वो अपना इस जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग है उससे उठा सके उस केस के अंदर उसको ना तो सपोज़ अपने जो फंड्स हैं अप करने पड़ेंगे और उसको जस्ट एक जो फॉरवर्ड परचेज़ और सेल है उसी के ऊपर जस्ट जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था टेन परसेंट सिक्योरिटी के साथ वो कर सकता है अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से स्पेकूलेटर जो है फॉरवर्ड मार्केट के अंदर स्पेकूलेट uh, करके पैसे अर्न कर सकता है तो वंस अगेन इसको ज़रा स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल सपोज फॉरवर्ड रेट इज़ वन डॉलर वन पॉइंट ज़ीरो वन डॉलर अगेंस्ट वन यूरो तो वन परसेंट आप कह है सकते हैं अगर इक्वल पे जाएं तो उसे वन परसेंट मोर यूरो और डॉलर का फॉरवर्ड रेट है यानी कि आफ्टर थ्री मंथ्स का रेट जो है एंड स्पेकुलेटर थिंक्स दैट द स्पॉटेड विल बी डॉलर ज़ीरो पॉइंट नाइन नाइन पर योरो इन दैट केस वंस अगेन स्पेकूलेशन के अंदर आपके पास सपोज ये जहन में रखना चाहिए कि स्पेकुलेशन गलत भी हो सकती है बट सपोज़ uh, वो इस चीज़ को प्रैक्टिकली करता है और हम यही एज्यूम करें कि जो स्पेकूलेशन उसकी तरफ से है वो बिल्कुल ठीक है तो इस केस के अंदर वो क्या करता है कि अगर वो सोचता है कि इन फ्यूचर जो आपके पास स्पॉट रेट होगा वो 0.99 डॉलर टू वन यूरो होगा तो स्पेकुलेटर क्या करेगा जो यूरो होंगे उनको फॉरवर्ड सेल कर देगा इस अमाउंट के ऊपर फॉरवर्ड सेल करेगा अपने यूरोस एट 1.01 डॉलर एंड देन आफ्टर थ्री मंथ्स अगर उसकी एंटिसपेशन ठीक है तो उसने अभी प्रॉमिस किया है कि हम मैं जो है वो वन यूरो के अगेंस्ट जो वन पॉइंट ज़ीरो वन डॉलर है इस पर यूरो प्रोवाइड करूँगा फॉरवर्ड सेल की है यूरो की आल दो रिम्बर दैट उसके पास यूरोज़ नहीं है प्रेजेंटली, तो उसने करना क्या है उसने इस एंटिसपेशन से फ़ायदा उठाना है जो वो समझ रहा है ठीक है सपोज़ उसके ख्याल में आफ्टर थ्री मंथ्स जो वन यूरो होगा दैट विल कॉस्ट जस्ट जीरो पॉइंट नाइन नाइन डॉलर या नाइन्टी नाइन सेंट्स सो अब ऐसा ही होता है सपोज़ जो एंटिसपेसन है दैट इज़ परफेक्टली एक्यूरेट सपोज़ तो वो क्या करेगा वो थ्री मंथ्स के बाद इस रेट के ऊपर जो है वो यूरोस को ख़रीदेगा ज़ीरो पॉइंट नाइन नाइन पर यूरो और जो उसने प्रॉमिस किया था एट दैट टाइम थ्री मंथ्स बैक कि वो उसने एक प्रॉमिस या फॉरवर्ड सेल की थी और उसकी वो इस रेट के ऊपर सेल कर देगा दैट इज़ वन पॉइंट ज़ीरो वन तो अल्टीमेटली उसने किया क्या है उसने अपनी स्पेकुलेशन से फ़ायदा उठाया या उस अपनी स्पेकुलेशन को उस अपनी एंटिसिपेशन को यूज़ करते हुए पर ट्रांज़ेक्शन पर यूनिट उसने ज़ीरो पॉइंट टू सेंट्स जो हैं वो कमा लिए अब ये ज़रूरी नहीं कि जस्ट वन डॉलर की ट्रेड हुई है ये हो सकता है सपोज वन मिलियन की ट्रेड हुई है या वन थाउजेंड की हुई है वन हंड्रेड की हुई है ये कोई भी एक अमाउंट हो सकती है नॉर्मली ये थाउजेंड्स एंड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स में नॉर्मली uh, ये ट्रेडिंग होती है और बात अगर स्पेकूलेटर को सपोज uh, एक आइडिया हो कि ये स्पेकुलेशन uh, जो कर रहा है बेस्ड ऑन सम सॉलिड इंफॉर्मेशन हो तो ये इससे भी ज़्यादा जा सकती है अमाउंट इसी तरीके से व्हेन फॉरेन करेंसी इज़ बॉट ये इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और वाइस वर्सा अगर वो सपोज एंटिसपेट करता है कि आपके पास इसका उल्ट है सपोज़ वो ये कहता है अगर इसको अगर हम इसके साथ रिप्लेस कर दें तो ट्रेडिंग इसी तरीके से वो किसी ना किसी फॉर्म में अर्न कर लेगा वन फॉरन करेंसी इज़ बॉट ऑन द करेंट स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट, जब फॉरेन करेंसी ख़रीदी जाती है इस सपोज़ मंतक uh, के तहत या इस रीज़न के तहत कि उसको सपोज़ हायर फ्यूचर स्पॉट रेट के ऊपर बेचा जाएगा उसको हम कहेंगे लॉन्ग पोजीशन और इसके ऑपोजिट अगर इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर स्पेकुलेटर की तरफ से करेंसी बेची जाती है इन द होप के फ्यूचर में उसको बाय कर लिया जाएगा तो उसको बोलेंगे शॉर्ट पोजीशन तो स्पेकुलेटर शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन दोनों से फ़ायदा उठाता है अब वंस अगेन एक टर्म यूज़ होती है एक तो हमने डिस्कस कर ली लॉन्ग पोजीशन के सपोज सेल uh, करके बाय करना है या बाय सेल करके अभी बाय करना है और बाद में सेल करना है तो ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का कॉन्सेप्ट होता है स्पेकुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरीके से बाज़ा स्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशंस भी होती है और डी स्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन भी होती है ये करेंसी से लिंक्ड uh, होती है टू एक्सटेंट जब आपके पास परचेज होती है फॉरेन करेंसी की जब एक्सचेंज रेट लो होता है इन द होप या इन द एक्सपेक्टेशंस दैट एक्सचेंज रेट विल राइज तो उसको आप कहेंगे स्टेबलाइजिंग पोजीशन दैट मींस के उस पॉइंट के ऊपर जाके एक्सचेंज रेट आपका स्टेबलाइज होगा अगर इनकेस प्रेजेंटली आपने स्पॉट uh, रेट जो है वो लो है सपोज़ और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो फ्यूचर के अंदर ये एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ेगा और देन आप उसको सेल कर लेंगे तो दैट इज़ स्टेबलाइजिंग पोजीशन और इसका उल्ट बिल्कुल बनता है डी स्टेबलाइजेशन स्पेकुलेशन उस केस के अंदर आप सेल करेंगे फॉरेन करेंसी की व्हेन आर इज़ लो इन द होप दैट कि ये जो एक्सचेंज रेट है मज़ीद कम हो जाएगा सो so अल्टीमेटली वो करेंसी जो है या जो स्पेकुलेशन डी से डी स्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन कहा जाता है उसका मतलब ये है कि करेंसी को मजीद नीचे ले कर आना चाह रहे हैं आप अभी सेल कर रहे हैं इन द होप कि ये मजीद गिरेगी तो उसको बोलेंगे आप डी स्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन अब इस स्पेकुलेशन को जो हम प्रीडोमिनेटली डिस्कस करते आए हैं ये कहीं ना कहीं पर आपके पास इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर भी इसको ज़रा नज़र रखते हैं इसके ऊपर जब उस चीज़ के ऊपर वो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टेड हों, सपोज़ वो आ, हैजिंग की तरफ नहीं जाना चाह रहे वो एक कॉस्ट नहीं पे करना चाह रहे या इन द होप के फ्यूचर के अंदर क्या होगा उसको अपनी इंश्योर नहीं करवाना चाह रहे तो इस केस के अंदर वो ये भी कर सकते हैं वो स्पेकुलेशन को यूज़ करें स्पेकुलेशन को कैसे यूज़ करें कि अगर कोई इम्पोटर है वो एक्सपेक्ट करता है कि एक्सचेंज रेट कल को बढ़ जाएगा इन दैट केस वो अभी से ऑर्डर के पे करता है प्लेस करता है अपना ऑर्डर और अभी फ़ौरन ही उसकी जो पेमेंट्स है वो राइट अवे पे कर देता है इम्पोर्टर के तौर के अंदर सपोज़ यू का इम्पोर्टर है और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अभी सपोज मैं जो इम्पोर्ट कर रहा हूँ उसमें मेरे लिए बेहतरी ये है कि मैं स्पॉट रेट के ऊपर ही उसको ट्रेड करूं सपोज़ अगर स्पॉट रेट है वन डॉलर टू वन यूरो और कल को अगर उसको लगता है कि जो एक्सपे जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ेगा दैट केस वो अभी पेमेंट कर देगा वो एक्सपेक्ट कर रहा है सपोज़ कि वन डॉलर और वन जो यूरो का एक्सचेंज रेट है दैट मे बी वन पॉइंट वन ज़ीरो टू वन यूरो इन दैट केस उसको टेन परसेंट का लॉस होगा रिमेंबर जो हम पिछले कुछ मेड्यूल्स के अंदर हमने डिस्कस किया था तो अगर वो स्पेकुलेटर है तो वो राइट अवे पेमेंट कर देगा सो दैट इन फ्यूचर उसको टेन परसेंट मोर पेमेंट ना करनी पड़े एंड वाइस वर्सा अगर एक्सपोर्टर uh, इस केस के अंदर भी आपके पास एक्सपेक्ट करता है सपोज अगर वो राइज़ होगा एक्सचेंज रेट तो ऑब्वियसली वो अपनी पेमेंट्स में डिले जाएगा वो ये जाएगा कि अभी उसको राइट अवे पेमेंट ना मिले क्योंकि स्पेकुलेशन ये है कि आफ्टर सम टाइम सपोज इट इज़ थ्री मंथ्स सो इट्स रेट इट्स रेट विल बी वन पॉइंट वन ज़ीरो डॉलर अगेंस्ट वन यूरो तो उस केस के अंदर जहाँ पे अभी एक्सपोर्टर को वन वन एक्सचेंज रेट के ऊपर पेमेंट होनी है तो फ्यूचर में अगर वो बढ़ जाता है एक्सचेंज रेट तो वहाँ पे उसको 1.10 के हिसाब से पेमेंट होगी तो टेक्टस इम्पोर्टर की तरफ से ये होंगे इफ़ दे आर यूजिंग स्पेकुलेशंस के राइट अवे पेमेंट की जाए एक्सचेंज रेट सपोज राइस के केस के अंदर और एक्सपोर्टर uh, की तरफ से ये टैक्टिक होगी कि एक्सचेंज रेट अगर बढ़ने का चांस हो तो वो लिंगर ऑन करे अपनी पेमेंट्स uh, को एंड वाइस वर्सा सपोज़ अगर एक्सचेंज रेट कम होने की एक्सपेक्टेशन हैं तो फिर इम्पोर्टर जो है वो अपनी पेमेंट्स को लिंगर ऑन करेगा ताकि उसको फ्यूचर के अंदर कम के, पैसे पे करने पड़े और अगर एक्सपोर्टर होगा तो वो ये चाहेगा कि उसकी एक्सपोर्ट्स की पेमेंट्स उसको राइट right अवे हो जाए तो ये स्पेकुलेशन जो है इम्पोट एंड एक्सपोर्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकती है और इस केस के अंदर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं